वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स। आज हम डिस्कस करेंगे टाइगर हिल्स बाय वेद प्रकाश मलिक। वेद प्रकाश मलिक, जनरल वेद प्रकाश मलिक, पीपीएसएम, एबीएसएम, बॉर्न 1 नवंबर 1939, सर्व एज 19 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी फ्रॉम 30 सितंबर 1997 टू 30 सितंबर 2000। ही वॉज द आर्मी चीफ ड्यूरिंग द कारगिल वॉर। परिचय। टाइगर हिल्स जनरल वेद प्रकाश द्वारा लिखित यह एक कहानी है। कहानी टाइगर हिल्स की वर्तमान स्थिति की व्याख्या करती है, जिसमें मुख्य पात्र पहाड़ी के बाघों को बचाता है और नायक बन जाता है। पहाड़ी का नाम नायक टाइगर हिल रखता है। महत्वपूर्ण नाम एमपीएस बाजवा 192 माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर, कैप्टन सचिन निम्बालकर डेल्टा कंपनी के कमांडिंग ऑफिसर, बलवान सिंह एक घातक प्लाटून कमांडर, मोहिंदरपुरी द चीफ डेड 18 ग्रेनेडियर्स, सुबेदार निर्मल सिंह 18 ग्रेनेडियर्स और 8 सिखों के साथ हमले का नेतृत्व किया। नायब सुबेदार कर्नल सिंह हेलमेट क्षेत्र के रिवर्स लोक पे तैनात थे। कृष्णपाल एक भारतीय राजनीतिज्ञ, निर्मल चंदन विज फिर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के रूप में नियुक्त हुए। 1999 के कारगिल ऑपरेशंस के दौरान उस पद पर रहे। उस समय के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा, नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। टाइगर हिल पर हमला। टाइगर पहाड़ी श्रीनगर कारगिल लेह राजमार्ग के उत्तर में लगभग 10 किलोमीटर उत्तर में स्थित अन्य सभी पहाड़ों की तुलना में अधिक है, जिस पर दुश्मनों का वर्चस्व था। तोलोलिंग पर फिर से कब्जा करने के बाद उन्हें हटाना उनकी प्राथमिकता बन गई। टाइगर हिल के शीर्ष पर राजमार्ग से राजमार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था और फिर से कब्जा करना लगभग असंभव लग रहा था। मीडिया ने पूरे प्रकरण को राष्ट्रीय चुनौती के रूप में दिखाया। 192 माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा ने टाइगर हिल पर कब्जा करने के मिशन को 18 कमांडो को आवंटित किया, जिन्होंने टोलोइंग और हम्प में अपनी उपलब्धियों के बाद आराम किया और ठीक हो गए, और 8 सिखों को भी जो पहले से ही इसके आधार पर तैनात थे। इन दोनों समूहों को हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल की एक ड्रेफ टीम द्वारा अधिकतम बंदूकें, इंजीनियरिंग और अन्य सैन्य आपूर्ति के साथ सहायता प्रदान की गई थी। पुनः कब्जा करने के लिए मिशन जून 1999 के अंतिम सप्ताह में 18 कमांडो के दुश्मन के बचाव की जांच की और हमला करने के लिए उपयुक्त मांगों की तलाश की। 41 फील्ड रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर ने एक लंबी शूटिंग योजना तैयार की। प्रत्येक उद्देश्यों को कवर करने के लिए अलग अलग बंदूकें खड़ी की गई। सीधी फायरिंग के लिए एक स्वचालित डबल बैरल एंटी एयरक्राफ्ट गन का इस्तेमाल किया गया था। हमले के दिन लगभग 120 और मीडियम गन 122 mm मल्टी बैरल ग्रेड रॉकेट लॉन्चर मोर्टार ने टाइगर हिल पर दुश्मनों पर बहुत सारी मौतें और विनाश किया। वायुसेना ने 2-3 जुलाई को टाइगर हिल पर भी हमला किया और अपने मिशन के दौरान कई बार लक्ष्य को निशाना बनाया। लड़ाई का सीधा प्रसारण किया गया। यह भारतीय सैन्य इतिहास में पहली बार था कि सीसीटीवी चैनल ने युद्ध का सीधा प्रसारण किया। टाइगर हिल पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 2200 मीटर, उत्तर से दक्षिण तक लगभग 1000 मीटर तक फैला हुआ है। टाइगर हिल से लगभग 500 मीटर पश्चिम में पहला इंडिया गेट और 300 मीटर के बाद हेलमेट नाम दिया गया है। 3 जुलाई को शाम 7 बजे 18 कमांडो ने बंदूकों और विस्फोटकों पर निर्भर खराब मौसम और अंधेरी की आड़ में अपना बहुआयामी हमला शुरू किया। कंपनी ए ने 4 जुलाई को सुबह 1:30 बजे जीप नामक मध्य स्थिति पर कब्जा कर लिया। इंडिया गेट, हेलमेट और टॉप से दुश्मनों की लगातार फायरिंग के कारण टाइगर हिल टॉप को ब्लॉक कर दिया गया था। कप्तान सचिन निम्बालकर ने पूर्व से डी कंपनी के हमले का नेतृत्व किया। उनका दृष्टिकोण एरिया कॉलर के पूर्वी हिस्से पर कब्जा करने में सफल रहा, जो टाइगर हिल टॉप के 100 मीटर के भीतर स्थित था। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह ने सी कंपनी और घटक पलटन का नेतृत्व किया। 4 जुलाई को सुबह 4 बजे सचिन निम्बालकर और बलवान सिंह अपने आदमियों के साथ अपनी पतली चट्टान पर चढ़कर टाइगर हिल की चोटी पर पहुंचे और दुश्मन को अप्रत्याशित रूप से पकड़ लिया। आमने सामने की लड़ाई के बाद उन्होंने उस जगह पर कब्जा कर लिया। जब अचानक हमला समाप्त हो गया तो दुश्मन पलटवार करने के लिए तैयार हो गया। सबसे कठिन कार्य। लड़ाई के दौरान सबसे कठिन कार्य काम अगले हमले के शुरू होने से पहले कब्जा किए गए स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखना था। अगली सुबह लड़ाई जारी रही। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और उनकी टीम ने लड़ाई के दौरान असाधारण साहस दिखाया। इस चरण 8 पर माउंटेन डिवीजन ने महसूस किया कि टाइगर हिल से दुश्मन को पूरी तरह से हटाना आसान नहीं होगा। मोहिंदरपुरी और एमपीएस बाजवा ने 8 सिखों को
हेलमेट और इंडिया गेट पर हमला करने और कब्जा करने का आदेश दिया ताकि दुश्मन टाइगर हिल टॉप पर कब्जा न करे। मेजर रविंद्र सिंह ने 8 सिख और लेफ्टिनेंट आर के शेरावत की टीम का नेतृत्व किया जिसमें 4 जेसीओ और 52 सैनिक थे जो कड़ी लड़ाई के बाद इंडिया गेट पर कब्जा करने में सफल रहे। सूबेदार निर्मल सिंह ने लड़ाई का नेतृत्व किया और अंत तक आमने सामने की लड़ाई में लगे रहे। मिशन सफल। भारी नुकसान के बावजूद 5 जुलाई को 8 सिखों ने सफलतापूर्वक हेलमेट पर कब्जा कर लिया। दुश्मन ने 40 से 50 सैनिकों के साथ पलटवार किए लेकिन 8 सिख वीरता से लड़े और उनसे लड़ने में सक्षम थे। नायब सूबेदार कर्नल सिंह और राइफलमैन सप्ताल सिंह हेलमेट के रिवर्स स्लोप पर ऑपरेशन का हिस्सा थे और उन्होंने असाधारण साहस दिखाया। इनमें से एक हमले में पाकिस्तानी सेना कैप्टन कर्नल शेर खान की मौत हो गई थी। उनके शव को पाकिस्तानी सेना को सौंप दिया गया और अन्य पाकिस्तानी सैनिकों के शवों को ठीक से दफना दिया गया। कृष्णपाल जीओसी 15 कौर ने सुबह 6 बजे फोन करके सूचित किया कि 18 ग्रेनेडियर्स ने टाइगर हिल पर टॉप पर कब्जा कर लिया है। ब्रजेश मिश्रा और प्रधानमंत्री ने भी खुशखबरी की जानकारी दी। 4 जुलाई 1999 कई कारणों से एक महत्वपूर्ण तारीख है क्योंकि नवाज शरीफ को अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से मिलना था और उनकी मुलाकात से लगभग 10 से 15 घंटे पहले पूरी दुनिया को टाइगर हिल पर फिर से कब्जा करने के बारे में पता चला। कुछ समय के लिए पाकिस्तान ने ऐसे पहाड़ के अस्तित्व से इनकार किया और पूरे ऑपरेशन को फर्जी करार दिया। हालांकि 8 जुलाई को टाइगर हिल उद्देश्य को साफ करने के बाद स्थिति स्थिर हो गई। 18 ग्रेनेडियर्स ने टाइगर हिल टॉप पर भारतीय तिरंगा फहराया। निष्कर्ष। टाइगर हिल्स भारत के लद्दाख क्षेत्र में स्थित एक पर्वत है। यह क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। यह 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान युद्ध के अधीन था। वेद प्रकाश मलिक कारगिल युद्ध के दौरान सेना प्रमुख थे। टाइगर हिल पर फिर से कब्जा करने की लड़ाई ऑपरेशन विजय अभियान के एक प्रमुख मोड़ थी। टाइगर हिल पर कब्जा करने से भारतीय अभियानों को एक बड़ा मनोवैज्ञानिक बढ़ावा मिला। इससे पाकिस्तानी सैनिकों के मनोबल को भी ठेस पहुंची है।